के लोग सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि भैया कुछ मैं कहना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, तो बोलिए भैया क्या क्या कहना चाहते हैं आप सभी लोग। जिले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर पंचायत हरिहरपुर, जहां पर सारे कुछ यहां मौजूद हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आज हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जिनके बारे में जानते हैं और सुनते हैं। तो अभी हो गई रात और पहुंच गए हैं श्री श्री दुर्गा पूजा संघ सेवा समिति कांवरिया संघ के द्वारा। यहाँ पर भोजन का काम चल रहा है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े भी हैं। इनसे बातें भी करेंगे, बहुत सारे चर्चा भी करेंगे, लेकिन बरसात हो रही है उसके बाद भी यहाँ के भक्तगण लगे हैं और एक सज्जन से बात करते हैं। समिति के जो है एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, पुजारी जी के नाम से आप उनको पुकार सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए क्या कला है आपके अंदर जो सबको पुजारी जी कहते हैं और सबको आप हंसाते रहते हैं, तो दो लाइन आप बताइए। कला क्या है? माताओं के चरणों में रहते हैं, दुनिया को हंसाते हैं, अपने भी हंसते हैं। सही है, वाह वाह क्या बात। अरे तू दुलैनिया बोल रहा ना जो है सबके हंसी आवे, अपने ही बोल के बढ़िया कर रहा है। सुभाष जी ने हमन कहां से तुम्हें जाने ले। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, भैया से मिलवाते हैं। सबसे पहले भैया का नाम जानना चाहेंगे। भैया अपना नाम बता दीजिए एक बार। राजन वर्मा। राजन वर्मा जी भैया हैं, ये हमारे बिरादर भी हैं और हमसे श्रेष्ठ भी हैं। अच्छा भैया क्या पद है आपका इसमें? प्रबंधक है। प्रबंधक है, क्या करते हैं बताइए? यहाँ का प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, टेंट लाना, मूर्ति। तो भैया आप क्या क्या सेवा इसमें देते हैं, आपका विशेष सहयोग क्या रहता है? विशेष सहयोग मेरा आर्थिक सहयोग यही, दौड़ना धूपना सब चीज, मूर्ति बुक करना और टेंट वगैरह बुक करना, हर चीज का भंडारी हमारे यहाँ सब प्रबंध करना, सब यही सब मेरा काम। अच्छा ये बता दीजिए, सारा कुछ तो हम जान गए, मैनेजमेंट कितने किया कि समिति किसने ने बैठाया, ये बताइए कितना खर्चा आ जाता है एक बार जो है यहाँ पर विसर्जन करने का, मूर्ति बैठाने का? 1 लाख प्लस। कितना खर्चा बच जाता है? 1 लाख प्लस। अच्छा क्या ये अकेले देते हैं या सभी लोग? नहीं सभी लोग मिल के देते हैं। तो सभी लोग मिल करके 1 लाख प्लस? 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आप जानते हैं भैया क्या सही कर रहे हैं? कह रहे हैं 1.5 लाख। नहीं नहीं सही कह रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,35,000 के प्लस रहते हैं और यहाँ पर भंडारा में आए हम, प्रसाद पाए, बहुत अच्छा लगा। प्रसाद में एक बार अपने मुंह से बताइए क्या क्या है? सब्जी, पूरी, खीर। एक सब्जी में 8 क्वालिटी की सब्जी है। कौन कौन सी क्वालिटी? काबुली चना है, पनीर है, पनीर है, आलू है, आलू है, परवल है, गोभी है, टमाटर है, सोयाबीन है, काबुली चना, मतलब 8 क्वालिटी का क्या जनाए खा रहे हैं मिक्स में, यानी कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ इसमें है। नंबर इतना भंडारा में मिलता है। दो चीज और है, जितना एक शादी मैया में मिलता है उतना यहाँ। दो चीज और है, एक तुलसी मैया, एक गंगा जो है। कुछ कहना चाहते हैं इनके द्वारा? एक जयकारा बहुत प्यारा सा लगता है, जयकारा कैसे लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, कितने साल से लगा रहे हैं जयकारा भाई? लगभग 12 साल से ऊपर हो गया। 12 साल का विशेष अनुभव है प्रदीप भैया का, एक बार जयकारा लगा के सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती माता की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की, कार्तिक भगवान की, सरस्वती माता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, रामचंद्र जी की, सीता माता की, लक्ष्मण भैया की, हनुमान स्वामी की, परमा बाबा की, विश्वकर्मा बाबा की, कुबेर जी की, धरती माता की, सूर्य भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, राधा जी की, गायत्री माता की, मरई माता की, शारदा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, अष्टभुजी महारानी की, वैष्णव माता की, मैयर देवी माता की, विंध्याचल मैया की, काली मैया की, नागदाता बाबा की, संतोषी माता की, नैनादेवी माता की, कर्पलई माई की, बाबा बैद्यनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा काशीनाथ की, बाबा समेश्वरनाथ की, बाबा सिद्धनाथ पर के बाबा की, बाबा गैवीनाथ धामनाथ की, बाबा अमरनाथ धामनाथ की, बाबा बैजनाथ धामनाथ की, बाबा बासुकीनाथ धामनाथ की, बाबा तारकेश्वरनाथ धामनाथ की, बाबा भदेश्वरनाथ धामनाथ की, बाबा
कृपानाथ धामनाथ की, बाबा सोमनाथ धामनाथ की, बाबा त्र्यंबकेश्वर धामनाथ की, बाबा ओंकेश्वरनाथ धामनाथ की, बाबा ममलेश्वरनाथ धामनाथ की, बाबा महाकालेश्वरनाथ धामनाथ की, बाबा केदारनाथ धामनाथ की, बाबा भीमा शंकर धामनाथ की, बाबा मल्लिकार्जुन धामनाथ की, धार में की, धार में की, धार में की, धार में का, धार में का, धार में का, पहाड़ियों में, पहाड़ियों में, पहाड़ियों में, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। ये हमारा बेटा है, ये पिछला बेटा है, बीच वाला है, इसके बाद इसके बड़ा एक और है, इससे छोटा एक और है, तीन बच्चे हैं। माँ शेरावाली के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए माँ शेरावाली के चरणों में जिंदगी जब तक सलामत रहेगी तब तक माँ हमारा सर माँ के चरणों में पड़ी रहेगी। हमारा नाम है प्रदीप कुमार गुप्ता, मैं हरिहरपुर आने वाला, संत कबीर नगर जिला है, थाना मौली है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और यह देखिए चंदन सोनियार जी हैं, इनका अगर आपका वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इनका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया जी, आपके साथ ये स्नेह मिला, आपका ये जो प्यार है हमारे लिए अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समिति में विशेष सहयोग दान दिए, जयकारा आपने लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कसम खा लिया हूँ, जब तक रहेगी मेरे प्राण में, मेरे शरीर में प्राण, तब तक रहूंगा मैं चरणों की दास। वाह वाह, क्या बात है, तालियां, बस एक बात प्रेम से, जय माता दी, जय। ठीक है, इनका जयकारा आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा जो चंदन भैया बनाते हैं वो आप तक पहुंचे। उम्मीद है ये भंडारा की वीडियो, इस नगर पंचायत की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आज पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बाखैर।